हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए ईएसआई से रिलेटेड स्टाफ नर्स की कुछ अपडेट है, वो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको पूरी अपडेट मिल सके। दोस्तों इस अपडेट को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की कई सारी वैकेंसियां निकली हुई है, उनमें आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया हो अभी तक तो फिलअप कर लें। उन सभी वैकेंसीज़ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उन वैकेंसीज़ को चेक कर यदि आप एलिजिबल हों तो उनमें अप्लाई ज़रूर करें। दोस्तों ईएसआई में हाल ही यानी कल 6/11/2019 को दो नोटिफिकेशन आए हैं, सेंशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ फॉर एडिशनल 68 ICU बेडेड इन रेस्पेक्टेड ऑफ ESIC हॉस्पिटल बेसदरपुर दिल्ली से। सेकेंड है दोस्तों, सेंशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ फॉर एडिशनल 34 ICU बेड्स इन रेस्पेक्ट ESIC सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सनात नगर तेलंगाना। तो दोस्तों ये दोनों नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट में जो नोटिफिकेशन था दिल्ली वाला, वो हमने डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों इसमें दिया है द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ESIC हॉस्पिटल बेसादरपुर दिल्ली। इसमें सब्जेक्ट है सेंशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ फॉर एडिशनल 68 ICU बेड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ESIC हॉस्पिटल बेसादरपुर दिल्ली रिगार्डिंग। दोस्तों ये एप्लीकेशन दी गई थी बेसदरपुर दिल्ली से, जो कि उसमें 68 बेड का एक ICU है, उसके लिए उनको स्टाफ चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया है और यह पोस्ट जो है वो सेंशन कर दी गई है। दोस्तों यह पोस्ट सेंशन हो गई है, इसके लिए आपको जल्द ही इसकी साइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट रहेगी वो 74 रहेगी, नर्सिंग सिस्टर की 32 पोस्ट रहेगी और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 7 पोस्ट रहेगी एंड डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इसमें 1 रहेगी। दोस्तों इसमें टोटल जो है 114 पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों फर्स्ट में जो बात करी थी हमने वो पोस्ट थी दिल्ली की, सेकंड इसमें पोस्ट तेलंगाना की है। दोस्तों तेलंगाना का भी सेम यही लेटर है, इसमें यही लिखा गया है कि आपको जो 34 बेड्स का जो ICU है उसके लिए आपको नर्सिंग स्टाफ की स्वीकृति मिल गई है, आप उसका रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं। इसमें जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो 36 है और नर्सिंग सिस्टर की 16 है और थर्ड जो है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यह 4 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स आपके दोनों दिल्ली और तेलंगाना का अप्रूवल मिला के टोटल आपकी 170 पोस्ट हो रही है, जो कि बहुत है दोस्तों, और यह पोस्ट आपके लिए जल्दी ही आने वाली है। दोस्तों इनसे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट रहेगा मैं आपको इस YouTube चैनल पर जरूर से ज़रूर दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको आने वाली अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, गुड बाय।